ऐसा होने लगा है क्या? शादियां तो सुनी थी हमने इंटरकास्ट, लेकिन इंटरकास्ट बच्चे भी होने लगे क्या आजकल? पैसा नहीं दिया नहीं नहीं तेरा कोई बात नहीं, अब हम सब सब बुलवा लेंगे। और आप 65 साल उम्र बता रहे हैं, आपकी तो 51 साल उम्र है, पोस्ट टाइटल में आप 51 साल लिख रहे हैं, कोर्ट को बताने के लिए 65 हो जाती है जी। कल। ऐसे थोड़ी ना मिसप्लेस सिंपैथी थोड़ी ना होती है वकील साहब। जब गाड़ी टक्कर मार रही थी सामने वाले को, आप तो मजदूर हैं तो गाड़ी कहां से आ गई आपके पास में? उसका बीमा भी था, ड्राइवर भी था गाड़ी पर। हाँ हाँ ठीक है ना, ड्राइवर भी था ना गाड़ी पर। बेटा कैसे हो गया? मालिक है रमेश कुमार विश्वकर्मा और बेटा विपिन दुबे। ऐसा होने लगा है क्या? शादियां तो सुनी थी हमने इंटरकास्ट, लेकिन इंटरकास्ट बच्चे भी होने लगे क्या आजकल? नहीं सर, बेटा इसके उस नहीं गाड़ी नहीं बुला अरे के भाई, नाम डाल इसमें दिया। ड्राइवर का नाम लिखा है विपिन हाँ दुबे, सर, सन ऑफ ब्रिजभूषण दुबे। हाँ ये दूसरा उसका दोस्त था उसके अरे बाद। हमें नहीं मालूम भाई, दोस्त तो कर, आपने बोला कि बेटा था तो इसलिए हमने पूछा आपसे जी। कोई नया नया कुछ हुआ है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हुई है क्या? दीक्षित जी ऐसा कुछ होता है क्या कि दीक्षित जी का बेटा जो है कुछ और कास्ट का हो जाएगा? फॉर दिस पर्पज श्री नित्यानंद मिश्रा विल सप्लाई कॉपी ऑफ दिस रिट पिटीशन टू श्री दर्शन सोनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे अलॉन्ग विद ऑल इट्स एनेक्सेस। लड़ाई मामले ब्रिंग दैट दिस मैटर में काइंडली बी टेकन अप आफ्टर वेकेशंस विद बट क्या हो गया? अरे सीनियर हैज टू आर्गू दिस केस बट ही इज नॉट हियर मी जल्दी है क्या इसमें जैन साहब को? स्टे वगैरह है क्या? पहले बोल देते स्टेटस सर तो क्वो बैठते नहीं इतना, हम पहले है? ही बोल देते सवा 10 बजे कैसा है। तो क्या पेनल्टी लगा है इनके ऊपर आपका टाइम बर्बाद करने के लिए? दूसरा हम दूसरे सर छोड़ के आपकी कोर्ट में आए, केसेस छोड़ के आए? क्यों सब छोड़ दिए हमने। छोड़ दिया आपने? अरे पहला प्रेफरेंस इधर कर दिया सर, तो तो हम इसके लिए अनुग्रहित हैं। इनको पेनल्टी तो लगना चाहिए, पहले ही बोलना चाहिए। अरे तो लिखिएगा श्री यशोवर्धन जैन फॉर द पिटिशनर अमिट सेट आर्गुइंग काउंसिल इज बिजी इन सम अदर कोर्ट। नेक्स्ट पैरा, श्री अशोक कुमार जैन हैज सीरियस ऑब्जेक्शन टू सच प्रैक्टिस। ही सबमिट्स दैट ही शुड हैव बीन इन्फॉर्मड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, देन ही वुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम इन द कोर्ट। क्या पब जाते कि बाहर जाते हैं आप, ये भी दिखाना है क्या? चलिए, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ श्री यशोवर्धन जैन केस इज एडजॉर्न लिस्ट आफ्टर एंसुइंग समर वेकेशन। चलिए, आईआर में काइंडली बी कंटिन्यू, ये कौन सा था? ये तो हुआ, इसलिए है कि ये आईआर गलत, टू बी ये गलत है, कंटिन्यू, ये गलत है। आईआर टू बी समर इन्होंने वेकेशन सर नहीं, क्या है, दे हैव ऑलरेडी फाइल सिविल सूट, पर इधर आईआर कंटिन्यू करवा रहे हैं। नहीं है। सिविल द सूट भी फाइल कर दिए, लिस्ट पिटीशन लिस्ट फाइल कर। लिस्ट नेक्स्ट वीक योर क्लियर लॉर्डशिप स्टिपुलेशन दैट नो एडजॉर्नमेंट विल बी एडमिसिबल एट द इंस्टेंस ऑफ द पिटीशनर टिल देन मलोड आईआर में कंटिन्यू। ऑन लिस्ट ऑन 28 मई। आई आर टू कंटिन्यू टिल 28 मई। भर्ती नहीं नहीं भर्ती नियम में क्या प्रावधान है? क्या नियम भर्ती पर नियम के, भर्ती नियम के प्रावधान क्या इस प्रकार के निर्देशों से मॉडिफाई किए जा सकते हैं? वो इट इज अ सिंपल केस ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ अ पर्सन हु वाज वर्किंग फ्रॉम अ अर्लियर डेट। नाउ यू हैव मेस्ड अप द होल थिंग। ये इसमें क्या है सर, 50 लीजिएगा, चलिए परसेंट वो पूछते हैं। चलिए, एनेक्चर ए टू देखने लेट सर, लेट प्रिंसिपल एनेक्चर ए टू देखने। रेवेन्यू कमिश्नर फाइल हिज एफिडेविट दैट कैन ही टेम्पर विद द रिक्रूटमेंट रूल्स बाय इशूइंग अ डायरेक्शन टू फिल 50% पोस्ट ऑफ प्यून फ्रॉम अमंगस्ट द प्रोसेस सर्वर्स एंड वेयर फ्रॉम दिस प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट अमेंडिंग द रिक्रूटमेंट रूल्स। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हाँ हाँ एनेक्चर ए टू, एक एक कहाँ है सेकंड वो ऑफ अमेंडमेंट? तो दिखाते हैं आप अमेंडमेंट भर्ती नियम में। फुल स्टॉप। लेट अमेंडमेंट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, लेट नेसेसरी एफिडेविट बी फाइल्ड शोइंग दैट अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ विदाउट अमेंडिंग द रिक्रूटमेंट इन रूल्स सच डायरेक्शंस कैन बी इशूड। कलेक्टर के एफिडेविट पैरा 5 में आया है, क्या आया इफ है? दैट रूल हैज नॉट इन द वे ऑफ द पिटिशनर क्या बिकॉज पैरा 5 लिखा है? तो फिर किस भर्ती नियम में किया आपने, ये तो बता दीजिए हमें। ये सर्कुलर निकला था। एफिडेविट ऑफ द कलेक्टर इज ऑल्सो क्रिप्टिक। इफ
the rules of 1989 will not be applicable to the case of the present petitioner, then under which recruitment rules petitioner has been regularized? अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि पीआरसी प्रिंसिपल ऐसा नहीं होता ना, यही तो सब आप लोग क्या करते हैं, अपनी एक गलती छुपाने के लिए उसको कंपाउंड करते चले जाते हैं। मैं फाइल कर दूंगा, कलेक्टर को बुलाना है क्या? नहीं, मैं एफिडेविट फाइल कर दूंगा। एफिडेविट भी फाइल्ड विद इन 7 डेज, फेलिंग व्हिच द प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट लिस्ट ऑन 30 मई 2024। आईआर टू कंटिन्यू। आईआर टू कंटिन्यू।